जहानाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां कार और टेम्पो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि टेम्पो में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना कड़ौना ओपी क्षेत्र के चमन बिगहा गाँव के पास की है। मृतक की पहचान अक्षय कुमार लोदीपुर गांव के रूप में हुई है। बता दें कि पटना की ओर से यात्रियों से भरा एक टेम्पो जहानाबाद आ रही थी, तभी जहानाबाद से पटना की ओर जा रही एक कार ने टेम्पो को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो सवार 4 लोग जख्मी हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल भर्ती कराया, जहाँ एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। हुआ कि कड़ौना से टेम्पू आ रही थी, जो उस रोड में बराबर टेम्पू चलती है, उसी टेम्पू पर ही सवार होकर के अपने घर लोदीपुरी आ रहा था। इसी बीच में इधर मैंने दक्षिण दिशा से एक जो है से बेलोनो जा रही थी गाड़ी, छोटी गाड़ी, वह सामने जा करके इस टेम्पू में मार दिया। वो टेम्पू में मारने के कारण हुआ था कि यह लड़का आगे जो बैठा हुआ टेम्पू पर, इसको एक इस साइड में क्या बोलते हैं इसको दहने साइड में इसको जबरदस्त चोट लगा, जिसको वहां पर काफ़ी चोट लगने के कारण वहां के व्यक्ति उठा के हॉस्पिटल लाए। यहां लाया गया तो डॉक्टरों ने देखे और देखने के बाद कुछ ही देर बाद यह जैसे अपना दम तोड़ दिया और डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन वह टेम्पू पर 3 से 4 और अन्य लोग भी सवार थे, जो उसमें भी उन लोग भी घायल हुए हैं। अच्छा, जो मतलब अगला गाड़ी भाग गया नहीं, वो गाड़ी थाना के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जब्त कर ली गई है और थाना में वह गाड़ी जमा है। टेम्पू कहाँ से कहाँ जा रहे थे? टेम्पू कड़ौना से जहानाबाद आ रहे हैं। अच्छा, तो आमने सामने की टक्कर है? हाँ, आमने सामने की टक्कर। घायल भी है लोग? क्या नाम था? अक्षय कुमार, पिता अक्षय कुमार, पिता स्वर्गीय राम बाबू यादव, ग्राम लोदीपुर, पोस्ट मठे, थाना पुलिस, जिला जहानाबाद। घटना कहाँ पर हुई? कड़ौना चमन बिगहा गाँव के सामने। क्या हुआ? वो टेम्पू और एक बेलोनो मारुति कार है, उसमें टक्कर हुई है। वो इधर से मतलब जहानाबाद तरफ से बेलोनो जा रही थी, टेम्पू उधर से आ रही थी, दोनों में आमने सामने टक्कर हुआ। तो इसमें डेथ भी हुए हैं? एक आदमी डेथ होने की डेथ हुई है, जिसका पोस्टमार्टम किया करवाया जा रहा है। कहाँ पे घटना घटी है सर, कितने लोग? ये गोदाम है, चमन बिगहा के सामने गोदाम है, उसी के आसपास हुआ है। अच्छा, तो इसमें घायल भी लोग हैं? नहीं, घायल तो कोई नहीं है, टेम्पू पर अकेले वो था तो उसको ज़्यादा वो उसी को चोट लगा, वो एक्सपोर्ट डेथ करेगा। अच्छा, तो गाड़ी जब्त कर लेगी, भाग गया? गाड़ी जब्त किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों गाड़ियों को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश की रिपोर्ट।